Good morning, students. So today I am going to tell you about verb. Verb, as we all know, the most important thing in parts of speech. Parts of speech में सबसे important हमारा क्या है? Verbs है. What is verb? As we all know that from class 3rd we are studying this word. हम क्लास तीन से कक्षा तीन से इस चीज को पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली व्हाट इज वर्ब? व्हेनेवर वी स्पीक समथिंग, हमारे मुंह से अगर कोई चीज निकलता है, अगर हमारे लिप्स, इफ दे आर मूविंग, दैट मूवमेंट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ वर्ब. इफ यू आर सेइंग समथिंग, then what we are saying, that is also a verb. Though we are taking a help with sentence, एक sentence की मदद से हम क्या नाम है कोई चीज करते हैं, लेकिन वो जो sentence होता है उसमें भी एक verb होता है. So today in this video we'll be studying the topic verb, and in verb the classification of verb on the basis of subject. Classification जो verb का होता है वो तीन पार्ट में होता है, एक सब्जेक्ट, अनदर इज योर ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड वन इज योर फॉर्म्स. ओके, तो आज जो हम पढ़ेंगे, टुडे व्हाट वी विल स्टडी विल बी द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट. बट बिफोर मूविंग देयर, वहां जाने से पहले हम आपसे एक बात और बता दें, दैट वी हैव नॉट स्टडीड एडवर्बियल क्लॉजेस एंड फ्रेजेस, वी हैव नॉट स्टडीड क्लॉजेस एंड इट्स टाइप्स. ये दो टॉपिक अभी हम नहीं पढ़े हैं, जो कि आपके ग्रामर का चैप्टर भी है. व्हाई? बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड द फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब फर्स्ट, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड आवर क्लॉजेस एज वेल एज एडवर्बियल फ्रेजेस एंड क्लॉजेस. ये दो चैप्टर्स मैंने इसीलिए छोड़ के रखे हैं ताकि पहले हम इन दो चीजों को, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, फिर नॉन फाइनाइट वर्ब की जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वो क्या है, ये हम पहले सीख लें. इसको सीखना बहुत जरूरी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज वर्ब? फॉर एग्जांपल, फर्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे, ही रीड्स अ बुक, वह एक पुस्तक पढ़ता है. ही रीड्स अ बुक, वह एक पुस्तक पढ़ता है, मतलब वो क्या करता है, वो एक पुस्तक पढ़ता है. यहां पर कौन सा काम हो रहा है? पढ़ने का. तो वर्ब जैसे रीड, डन, ईटिंग, ये सब क्या बता रहे हैं? काम होने के बारे में बता रहे हैं. दे हैड डन द वर्क, वो अपना काम कर चुके थे. ही इज ईटिंग एप्पल, वो सेब खा रहा है. तो ये सब चीजें जो है क्या दर्शा रहे हैं, कि द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट. So what is verb? Verb is a word which shows action. Verb क्या है? Verb एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से, जिसके through हम कोई action जान सकें, उसको हम verb कहते हैं. Now coming to the classification, on the basis of subject, verb has been classified into two parts, finite and non-finite. दो part में divide किया गया है. फर्स्ट वन इज फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब क्या है? फाइनाइट वर्ब कहता है कि जब मैं, वर्ब बोलता है, फाइनाइट वर्ब कहता है कि जब मैं सब्जेक्ट के साथ एग्री करूं, जब मैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आऊं सेंटेंस में, तब क्या नाम है, मैं फाइनाइट कहलाऊंगा. जब मैं सब्जेक्ट के साथ उसकी बात मान करके उसके अकॉर्डिंग मैं लगूं, तब मैं क्या कहलाऊंगा, फाइनाइट वर्ब कहलाऊंगा. फॉर एग्जाम्पल, ही रीड्स अ बुक. ही क्या है? ही का हिंदी मतलब होता है वह. ही मतलब एक व्यक्ति है, सिंगुलर है. रीड्स, मैंने आपको क्लास 7th में बताया था कि जब वर्ब में एस और ईएस लगता है, दैट मींस दैट वर्ब बिकम्स सिंगुलर. अगर वर्ब में एस और ईएस लगा है तो वो वर्ब तुम्हारा सिंगुलर वर्ब है. देखिए यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी उसके साथ सिंगुलर आया. हाउ? एस लगा हुआ है,
रीड, दे हैड डन द वर्क, दे प्लूरल हैड, देखिए हैव का सेकंड फॉर्म हैड प्लूरल है, ही इज देखिए इज सिंगुलर है, ही भी सिंगुलर है, सिंगुलर है। तो जब वर्ब सब्जेक्ट के साथ एग्री करे ऐसे वर्ब को हम कौन सा वर्ब कहते हैं, फाइनाइट वर्ब। क्लियर। नाउ कमिंग टू नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या कहता है कि मैं सब्जेक्ट के साथ एग्री नहीं करूंगा, मेरा जैसे मन करेगा मैं वैसे सेंटेंस में आऊंगा और मैं मीनिंग भी दूंगा लेकिन मैं काम नहीं करूंगा। नॉन फाइनाइट वर्ब कहता है कि आई विल नॉट एग्री विद द सब्जेक्ट, आई विल कम अकॉर्डिंग टू माई विश बट आई विल गिव द मीनिंग एंड आई एम नॉट गोइंग टू शो एनी एक्शन, मैं कोई एक्शन नहीं दिखाऊंगा, मैं कोई काम होने का बोध नहीं करूंगा लेकिन मैं वर्ब की तरह आऊंगा सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल दे कैन स्विम इन द रिवर, पहला सेंटेंस स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, दे इज योर सब्जेक्ट, कैन इज योर हेल्पिंग वर्ब और यू कैन से मॉडल्स, स्विम इज योर मेन वर्ब, इन द रिवर कॉम्प्लीमेंट, दे कैन स्विम इन द रिवर, वो नदी में तैर सकते हैं। अब वो क्या तैर रहे हैं? नहीं, सिर्फ बताया जा रहा है कि उनकी काबिलियत के बारे में कि उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है, दे हैव द कैपेबिलिटी, दे कैन स्विम इन द, वो नदी में तैर सकते हैं। यू मे गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, तो क्या वो चला गया? नहीं, आपने सिर्फ कहा कि अब तुम जा सकते हो, उसके बाद अब यहां पर गो का मतलब जाना होता है लेकिन क्या यहां पर वो घटना हो रही? नहीं हो रही। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से लिखें, ही इज गोइंग टू स्कूल, वो विद्यालय जा रहा है, यहां पर जाने का काम हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है, या हम कहते हैं ही गोज टू स्कूल, वो विद्यालय जाता है, दैट मीन्स वो काम उसका डेली का है। लेकिन यहां पर देखिए यू मे गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, यहां पर सिर्फ बताया गया है कि काम, कहा गया है अभी काम हुआ नहीं, दोनों सेंटेंस में देख लीजिए। आई लाइक टू प्ले गेम्स, थर्ड सेंटेंस, मुझे गेम खेलना पसंद है, तो क्या मैं गेम खेल रहा हूं समय? नो, आई एम जस्ट टेलिंग, मैं सिर्फ बता रहा हूं, क्योंकि तो प्ले का मतलब खेलना होता है, लेकिन क्या यहां पर खेल हो रहा है? नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि मैं, मुझे पसंद है गेम खेलना, इसका मतलब नहीं कि मैं गेम खेलता हूं। तो ऐसे वर्ब जो बिना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंस में आए और एक्शन ना दिखाएं सिर्फ मतलब बताएं, तो ऐसे वर्ब को हम कौन सा वर्ब कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है? वर्ब विच कम अकॉर्डिंग टू देयर विश, दे डू नॉट एग्री विद द सब्जेक्ट एंड दे डू नॉट शो एनी एक्शन, वो कोई एक्शन नहीं दिखाते, वो सब्जेक्ट के साथ एग्री भी नहीं करते, वो अपने अकॉर्डिंग आते हैं, ऐसे वर्ब को हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। हमने बताया कि फाइनाइट वर्ब कैसे पहचानेंगे और नॉन फाइनाइट वर्ब कैसे पहचानेंगे। अब हम देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब का क्लासिफिकेशन। तो नॉन फाइनाइट वर्ब इज फर्दर सब डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल एंड जेरंड। इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल एंड जेरंड, ये तीनों के तीनों किसके बारे में बात करते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। मींस आप इन वर्ड को देख करके परेशान मत होइए, इनका सीधा सा काम यह होता है कि ये है वर्ब ही, ये है वर्ब लेकिन ये कोई एक्शन आपको नहीं दिखाएंगे, दे विल जस्ट कम टू शो वॉट द मीनिंग, दैट्स इट, दे विल नेवर शो एनी एक्शन, कोई एक्शन आप इन तीनों की मदद से आप कोई एक्शन नहीं पाओगे। एंड हाउ यू विल नॉट गेट, वी विल स्टडी वन बाई वन, हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इन्फिनिटिव के बारे में। और एक बात और बता दूं, इन योर बुक दीज थ्री टॉपिक्स आर डिवाइडेड इंटू थ्री चैप्टर्स, ओके, 11, 12 एंड 13। तो हम इसको इकट्ठा पढ़ लेते हैं, क्योंकि तीनों किसके हिस्से हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब। तो इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल एंड जेरंड, दे आर डिवाइडेड इनटू योर बुक इन थ्री पार्ट्स, बट वी विल स्टडी इट टुगेदर बिकॉज दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब।
सो लेट्स स्टार्ट विथ इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या है कि जब वर्ब का बेस फॉर्म दैट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कम्स विथ टू, जब टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रहेगा तो वो जान जाओ क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इन्फिनिटिव के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, ही लव्स टू ईट एन आइसक्रीम, उसे आइसक्रीम खाना पसंद है, तो क्या वो आइसक्रीम खा रहा है? नहीं, उसे पसंद है खाना। अब यहां पर देखिए टू ईट, ईट हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसके पहले क्या लगा है? टू, दैट मीन्स इट इज रिप्रेजेंटिंग इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का एक पार्ट और है, बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं उसको। अब बेयर इन्फिनिटिव क्या है, बहुत ही कंफ्यूजन टॉपिक रहा है अभी तक के बच्चों का, सो मेनी क्वेश्चंस वर आस्क्ड, बट इट विल बिकम इजी फॉर यू अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन लेंगे तो। बेयर इन्फिनिटिव समझना बहुत आसान है। बेयर इन्फिनिटिव क्या कहता है कि हमेशा बेयर इन्फिनिटिव के पहले मॉडल्स लगे होंगे, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, डेयर, ये सब वर्ड लगे होंगे, और बात फिर घूम फिर की हो जाती है कि वर्ब का बेस फॉर्म ही रहेगा, फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें यू कैन कम टू माई हाउस, अब कैन हमारा मॉडल है, कैन, विल, शुड, कुड, वुड, विल, माइट, मे, डेयर, ऑट टू, ये सब हमारे मॉडल्स हैं, आपकी बुक के टेबल में दिया हुआ, आप देख लेंगे बुक में। तो कैन के बाद क्या लगा है? कम। कम हमारा क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब है, यू कैन कम टू माय हाउस। अब इसका हिंदी मतलब समझिए, तुम मेरे घर आ सकते हो, तो क्या वो मेरे घर आ गया? ऐसा नहीं कि चल के आ गया, चल के तो नहीं आना, सिर्फ तुमने बताया कि तुम मेरे घर आ सकते हो, यू आर जस्ट गिविंग द परमिशन कि यस यू कैन कम, तुम आ सकते हो मेरे घर, लेकिन क्या आने का काम हुआ यहां पर? नहीं। तो जब मॉडल्स के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रहेगा और आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा वर्ब है, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि कोई एक्शन नहीं दिखा रहा है, पहली चीज। दूसरा, ये नॉन फाइनाइट वर्ब का कौन सा हिस्सा है? इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव का कौन सा हिस्सा है? बेयर इन्फिनिटिव। इसको बेयर इन्फिनिटिव क्यों? बेयर का मतलब होता है खाली। क्यों उसको बेयर इन्फिनिटिव कहा गया? बिकॉज इसके पहले क्या लग जाता है? टू। जब टू लगा रहेगा तो वो इन्फिनिटिव है, और जब टू हट करके सिर्फ बेस फॉर्म लगा रहेगा, खाली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रहेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? बेयर इन्फिनिटिव कहेंगे। क्लियर? इन्फिनिटिव क्लियर हो गया आपको? अब हम पढ़ते हैं पार्टिसिपल के बारे में। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल क्या है? अब पार्टिसिपल हमारा है वर्ब का थर्ड एंड फोर्थ फॉर्म। कुछ है नहीं, सब जान रहे हो, सबको देख करके लगता है कि अरे ये कौन सा टॉपिक आ गया, हाउ आई विल अंडरस्टैंड, हाउ आई विल सॉल्व, बट इट इज वेरी इजी। पार्टिसिपल जो है, व्हाट इज पार्टिसिपल? पार्टिसिपल इज नथिंग बट द थर्ड एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? कुछ नहीं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसके साथ आईएनजी लगा हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या है? अब पार्टिसिपल इज अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव। पार्टिसिपल एक हिसाब से विशेषण है। कैसे? दे बोथ, इनके जो सब टाइप्स है, ये दोनों इनके बेटे हैं मान लो, तो दीज टू सन्स दे ओनली टॉक अबाउट नाउन, ये दोनों नाउन के बारे में ही बात करेंगे या प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। और नाउन और प्रोनाउन के बारे में बात कौन करता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव बात करता है। तो एडजेक्टिव की तरह ही हमारे वर्ब के थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यहां पर काम करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। पार्टिसिपल पहचानने का तरीका, लेट्स सी। जैसे हम कहें आई सॉ हिम रनिंग देयर,
इसका हिंदी मतलब क्या हुआ, मैंने उसको वहां भागते हुए देखा। अब यहां पर काम कौन सा हो रहा है, देखने का भागने का, देखने का। क्यों, सबसे पहले कॉमन सेंस लगा लो कि जब कभी भी सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा फाइनाइट वर्ब होगा, बिकॉज इट शोज एक्शन, इट शोज एक्शन। आई के बाद क्या आया, सॉ, सी का सेकंड फॉर्म है। और रनिंग देखिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा है, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। कैसे, मैंने उसको वहां भागते हुए देखा, ये हो गया देखा, मतलब वहां पर देखने का काम हुआ, ये हुआ भागते ते। तो जब ता ते ती आखिरी में आए वर्ब के आईएनजी फॉर्म में, उसका मतलब, मतलब जब भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म का मतलब ता ते ती में आए, तो वो जान जाओ कि क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब यहां पर देखिए दो वर्ब है आपके सामने, एक सॉ एक रनिंग, लेकिन अब आप जज करिए कि कौन सा काम, हम समझेंगे कौन सा काम हुआ। आई सॉ हिम रनिंग देयर, मैंने उसे वहां भागते हुए देखा, तो काम क्या हुआ, भागने का कि देखने का, देखने का। जब मैंने देखा उसको भागते हुए, तभी तो मैंने कहा, जब मैं भागता तो मैं देख कहां पाता, अगर मैं भागता तो क्या मैं देख पाता, नो, आई वॉज स्टैंडिंग एंड आई सॉ हिम रनिंग देयर, मैंने उसे वहां भागते हुए देखा, तो देखने का काम हुआ है और सिर्फ भागते हुए बताया जा रहा है कि वो भाग रहा। तो काम कौन सा हुआ, देखने का। और अगर ऐसे भी समझ में आपको नहीं आता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस, आपने टेंस पढ़ा होगा, कंटिन्यूअस जो टेंस होता है उसमें इज एम आर वॉज वर हैज हैव विल हैव शैल हैव ये सब लग करके जो है हम आईएनजी जोड़ते हैं। इज एम आर के साथ आईएनजी लगता, तभी तो बोले जब वो खाना खा रहा है, ही इज हैविंग फूड, वह नाच रही है, शी इज डांसिंग, इसके बाद देखो तब वर्ब का आईएनजी आ रहा है। लेकिन क्या इसके पहले कोई इज एम आर या वॉज वर या हैज हैव या विल शैल कुछ लगा है, नहीं लगा है ना, तो वैसे भी अंडरस्टूड है। अगर आप वैसे भी नहीं समझ पाते हो, तो ये देखिए किसके बारे में, रनिंग किसके बारे में बात कर रहा है, आई के बारे में, हिम के बारे में, हिम के बारे में, हिम हमारा क्या है, प्रोनाउन है, तो ये इसके बारे में बात कर रहा है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल, इज टॉकिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है बेटा, स्टूडेंट मेरे बात ध्यान समझिएगा, एडजेक्टिव की तरह ये काम कर रहा है, ओके? तो रनिंग, और वैसे भी नहीं समझ पाए, तीसरा चांस देख लो, भागते ता, ता ते ती अगर आखिरी में आता है तो जान जाओ कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब आइए हम पास्ट पार्टिसिपल के बारे में बात करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल हम पहले एग्जाम्पल देख लेंगे, डेफिनेशन वही है जो पार्टिसिपल की है, दे आर एडजेक्टिव दे टॉक अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। इसको पहचानने का तरीका है आ ई ए एंड कैसे, ही गेव मी अ ब्रोकन पेन, ही गेव मी अ ब्रोकन पेन। अब फिर यहां पर देखिए दो वर्ब आपके यहां के सामने है, ध्यान देखिएगा, एक गेव और एक ब्रोकन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, एक वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। आपने देखा है ब्रोकन लगा हम लगा दे, नहीं पहचानिए। वैसे हम पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल, वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कहां करते हैं, अगर हम टेंस की भाषा में देखें, फाइनाइट वर्ब की भाषा में देखें, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हम वहां इस्तेमाल करते हैं जब हम परफेक्ट टेंस बना रहे होते हैं, हैज हैव या हैड के साथ, राइट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। जब हम ये तीन टेंस बना रहे होते हैं, तब तो हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, उसके पहले हैज हैव हैड या विल हैव या शैल हैव लगाते हैं। लेकिन क्या यहां पर ऐसा कुछ लगा है, नहीं लगा है, आप ऐसे भी पहचान सकते हो। दूसरा पहचानने का तरीका कि हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगा रहेगा, नाउन, पेन नाउन है, उसी के बारे में बात कर रहा है कि ब्रोकन ही के बारे में बात कर रहा है, नहीं, He gave me a broken pen, इसका हिंदी क्या हुआ, उसने मुझे टूटा हुआ पेन दिया। तो क्या टूटा था, मैं कि पेन, पेन टूटा था, तो पेन को हम क्या कर लेंगे, पेन, ब्रोकन जो है पेन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो टूटा। अब इसका हिंदी मतलब अगर हम देखें तो टूटा आखिरी में क्या आया, आ, तो आ ई ए अगर
वर्ब के थर्ड फॉर्म का मतलब आ ई ए आखिरी में आता है तो उसको हम क्या कहेंगे? पास्ट पार्टिसिपल। एनी डाउट? क्लियर? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल? देख लीजिए, यहां देने का काम हो रहा है, टूटने का काम नहीं हो रहा है। ही गेव मी अ ब्रोकन पेन, उसने मुझे टूटा हुआ पेन दिया, तो क्या काम हुआ? टूटने का कि देने का? देने का। दैट इज व्हाट गिवन हियर। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट, दैट इज जेरंड। नाउ थर्ड पार्ट, इसको हम कहते हैं जेरंड। जेरंड क्या है? अब कंफ्यूज मत होना, फिर मैं वही बताने जा रहा हूं कि जेरंड हमारा है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, दैट इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसमें आईएनजी लगा हो, उसी को हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म। तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा हुआ था, लेकिन दोनों में अंतर है। अभी बता रहा हूं आपसे कैसे कैसे अंतर है, हम देखेंगे यहां पर हाउ हाउ द डिफरेंस इज देयर, वी विल सी। नाउ जेरंड वर्ब का फोर्थ फॉर्म विच एक्ट्स एज अ नाउन। पार्टिसिपल क्या था? वो एडजेक्टिव की तरह काम करता था। जेरंड किस तरह से काम करता है? नाउन की तरह। इट कैन बी द सब्जेक्ट, इट कैन बी द ऑब्जेक्ट, इट कैन बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, कहीं भी लग सकता है, सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में, मिडिल में एंड आखिरी में। लेकिन इसको पहचानेंगे कैसे? सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है डिफरेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड जेरंड में। तो जेरंड पहचानने का तरीका है कि जब वर्ब के चौथे फॉर्म का मतलब ना, ने, नी, जब वर्ब के चौथे फॉर्म का मतलब ना, ने, नी आए, तातेती नहीं, तातेती आएगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, पार्टिसिपल कैटेगरी में चला जाएगा। लेकिन जब ना, ने, नी आएगा तब वो क्या कहलाएगा? जेरंड। हाउ? रीडिंग इज माय हॉबी, आई लव वॉचिंग टेलीविजन। रीडिंग इज माई हॉबी, पढ़ना मेरी आदत है। क्या हो गया इसका मतलब? आई लव वॉचिंग टेलीविजन, मुझे टीवी देखना पसंद है। देखिएगा, पढ़ना, देखना, तो ना आया, ना आ रहा है ना। लेकिन अगर मैं लिखूं आई सॉ हिम वॉचिंग टेलीविजन, मैंने उसे टीवी देखते हुए देखा। आई सॉ हिम वॉचिंग टेलीविजन। तो वहां पर देखिए, दोनों सेंटेंस देखिएगा, आई सॉ हिम वॉचिंग टेलीविजन। देखिए दोनों में वॉचिंग का मतलब बदल जाएगा, यहां पर वॉचिंग देखना, यहां पर वॉचिंग में देखते, क्योंकि वो किसको देख रहा था? टेलीविजन को। इसका कहीं ना कहीं लिंक इससे जुड़ा हुआ है, नाउन के बारे में बता रहा है। या उसको छोड़ दो, कौन देख रहा था? हिम, प्रोनाउन आ गया, तो ये कहीं ना कहीं इसको भी डिस्क्राइब कर रहा है और इसको भी डिस्क्राइब कर रहा है, तो पार्टिसिपल हो गया, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा। लेकिन यहां पर आई लव वॉचिंग टेलीविजन, मुझे टीवी देखना पसंद है, तो मुझे क्या देखना पसंद है? टीवी। क्या देख, उसका जवाब आ रहा है, लेकिन मैंने किसे टीवी देखते हुए देखा? उसको। तो क्या देखना पसंद है? तब तो टेलीविजन, जेरंड का जवाब मिलेगा। लेकिन किसे देखते हुए देखा? उसे टीवी देखते हुए देखा मैंने। बात समझ आई? दोनों में अंदर देख लीजिए। तो जब ना, ने, नी रहेगा, वर्ब का चौथा फॉर्म, दैट इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी विच एक्ट एज अ नाउन, जिसका हिंदी मतलब ना, ने, नी में है, जैसे पढ़ना, देखना, तो वो क्या कहलाएगा? जेरंड कहलाएगा। लेकिन अगर ता, ते, ती आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल मैंने बताया ही कि आ, ई, ए और इन्फिनिटिव के बारे में आपको बता ही दिया कि टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रहेगा, देन इट विल बी इन्फिनिटिव। लेकिन जब टू हट करके मॉडल के साथ कैन, विल, शैल, वुड, कुड, माइट, मे, ऑट टू,
डेयर, इनके बाद अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है तो वो कहलाएगा बेयर इन्फिनिटिव। ओके, तो ये था हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ऑल योर 3 टॉपिक्स वेरी प्रॉपरली। ओके, थैंक यू क्लास।